gentleman with us from the Bharatiya Janata Party, and we're going to ask him a couple of questions. Is a very, very happy Mr. Chandan Goswami. Chandan Goswami Sahab, Namaskar. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. कैसे हैं सर? सर कैसे हैं आप? बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्या? देखो यार, मुस्कान नहीं जा रही शक्ल से। मैंने कहा मुस्कान नहीं जा रही है शक्ल से। हाय हाय, प्रभु राम जी का, प्रभु जी आने वाले हैं ना फिर? राम जी मतलब प्रभु जी अपने अपने भव्य मंदिर में आने वाले। प्रभु जी तो यही है। टेंट से निकल, टेंट से निकल सर जी। जय सिया राम, जबरदस्त। सर ये बता दीजिए, प्रेसिडेंट साहब को क्यों नहीं बुलाया सर? ये तो बता दीजिए, प्रेसिडेंट मुर्मू जी को बुलाना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं बुलाया उनको, क्यों नहीं बुलाया सर? ये तो ट्रस्ट ने जो डिसाइड किया वही कर रही जी। राम मंदिर जो ट्रस्ट बनाया, दुरुस्त बात, करेक्ट, आई एग्री विद यू। दैट इज अप टू द ट्रस्ट, एंड वन ऑफ दीस डेज वी विल हैव समबडी फ्रॉम द ट्रस्ट आल्सो, एंड वी गोना आस्क हिम कि यार प्रेसिडेंट साहब को तो सबसे पहले इनविटेशन जाना चाहिए था, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, बाकी सबको। आई एग्री विद यू। लेकिन यहां पर तो ये सब 50 देशों में त्योहार की तरह मनाया जाएगा, और मोदी जी ने मतलब क्या है, सेंटर ने आधे दिन की छुट्टी दी, पूरे दिन की छुट्टी दो। ये आधे दिन की छुट्टी का क्या मतलब हुआ? आधा है चंद्रमा रात आधी, मतलब ये क्या हुआ भाई? आधे दिन की छुट्टी का क्या मतलब हुआ सर? देश में काम का महत्व, देश में काम का महत्व भी आना चाहिए पूजा के साथ। तो ये आधे दिन की छुट्टी मतलब 2 बजे के बाद ऑफिस आए या 2 बजे चले जाए घर? 2 बजे के बाद ऑफिस आए या 2 बजे के? जो सर्कुलर जारी होगा उसके पति आ गया, सर्कुलर आ गया, सर्कुलर तो आ गया है। अच्छा आप क्या करने वाले हैं? चलो ये सब छोड़ो, मजाक की बात छोड़िए। अब आप बताइए आप क्या करने वाले हैं भाई? जनवरी को क्या करने वाले हैं भाई? हम राम भक्त के नाते दिवाली मनाएंगे और अपने प्रभु की अगवानी करेंगे उस दिन। तो किस प्रकार मनाएंगे सर, ये भी बता दीजिए? लोगों के साथ मनाएंगे, लोगों को और प्रोत्साहित करेंगे राम भक्ति में, क्या करेंगे आप वो जरा बताएं। देखिए हम तो पहले स्वच्छता करने वाले हैं राम भक्त के नाते मंदिरों में, हमारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में और जितने भी बड़े मंदिर छोटे मंदिर है वहां स्वच्छता होगी। वहां बाइक रैलियां आयोजित की गई है युवाओं और बुजुर्गों द्वारा। उसके बाद में कीर्तन होंगे, कीर्तन होंगे, उसके बाद में लाइटिंग वगैरह शाम के समय पे भव्य दीप जलाए जाएंगे। उत्सव की तरह मनाएंगे, दिवाली से भी कुछ ज्यादा। जैसे रामलला आए थे अपने घर 14 साल का वनवास काटने के बाद जो दिवाली हुई थी उस प्रकार करेंगे। गोस्वामी साहब, द फर्स्ट टाइम द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 11 दिन का तपस्या, 11 दिन का ऑस्टेरिटीज, वो सिर्फ एकदम टोटल उपवास रखे, सिर्फ नारियल पानी में, ओनली कोकोनट वाटर, और जमीन पर सोएंगे पूरे विधि अनुसार हर चीज वो कर्म पूरा कर रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहे हैं विद एब्सोल्यूट एस्टोनिशमेंट, सभी ने सराहा। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा ऐसे अनुष्ठान ऐसे निष्ठा हमने पहले कभी नहीं देखा। श्री श्री रविशंकर दूसरे महापुरुष, वो तारीफ। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर चीज इतने स्पिरिचुअल तरीके से रखा है, ये कोई इवेंट और विश्व हिंदू परिषद जैसे कहना कि अखंड ब्रह्मांड पृथ्वी स्वर्ग सब एकदम बेताबी से इस क्षण को देख रहा है। मोदी जी कोई ऐसा चीज छोड़ेंगे नहीं जो एब्सोल्यूट एसेंशियल है। हाउ डू यू सी दैट गोस्वामी साहब? भाई भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म की पूरे जग के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में चर्चा रहती है, उसे हर कोई अपने आस्था के अनुसार नमन करता है। वही हमारे प्रधानमंत्री का जो फर्ज होता है वे बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। 136 देश में लाइव चलेगा, प्रधानमंत्री पूजा पाठ के साथ कर रहे हैं और सभी हर धर्मों के साथ करते हैं वे। लेकिन ये क्षण जो है वो अलग ही क्षण है जिसे हर भारतीय, क्योंकि मोदी जी भी हमारा सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं 140 करोड़ देशवासियों का, जो वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं और पूरी दुनिया नतमस्तक है हमारी आस्था और संस्कृति के पीछे में। राहुल गांधी जी का कहना है कि आरएसएस एंड बीजेपी
इस चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक पॉलिटिकल इवेंट बना रहे, पॉलिटिकल इवेंट, राम जन्मभूमि पुनर्निर्माण प्राण प्रतिष्ठान। राहुल गांधी जी का आरोप है आप पर कि आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे, यू आर डूइंग टोटल पॉलिटिकल, बार बार शंकराचार्य का नाम लेना, बार बार अलग अलग नेतागण आरोप लगाना कि ये ढंग से नहीं हो रहा है, मंदिर आधा है, मंदिर पूरा है, शरद पवार जी आरोप लगा रहे कि पूरा काम नहीं हो गया, तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो इवेंट आयोजन कर रहे हैं, जो एक भव्य मंदिर का निर्माण के बाद में जिस प्रकार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, पूरी तरह से मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो बात, वे भारत के प्रधानमंत्री है, अगर इनकी जगह कोई दूसरे प्रधानमंत्री रहते तो वो भी इसी प्रकार करते हैं। तीसरी बात, हम सभी राम भक्त करके जा रहे हैं वहां पर में, और राम भक्त पूरे 140 करोड़ मैं समझता हूं हिंदुस्तान के देशवासी, पूरे भारत राम भक्त है। तीसरी बात, अगर हम पॉलिटाइज करने का वो आरोप लगाए तो हमने हमेशा से अपने राम जन्मभूमि को हमने अपना चुनावी एजेंडा हमेशा से बनाया है, हमने हमेशा से ही अपने एजेंडे के में ये पहले ही लाया है। लेकिन ये कहना गलत है कि हम इसको पॉलिटाइज कर रहे हैं, ये 140 करोड़ राम भक्तों की आस्था के ऊपर चोट करने वाले शब्दों का जहरीले तीर छोड़ने वाले राहुल गांधी ये हमेशा से करते हैं, और उनसे उम्मीद यही की जा सकती है। लेकिन इसमें गलत क्या है सर? सर आप बताएं, चंदन गोस्वामी साहब गलत क्या है? अगर पॉलिटिकल एजेंडा है तो है, आपके मैनिफेस्टो में है ना, जब से जनसंघ बने हैं सर 1956 से, जब से जनसंघ बनी है उसमें राम मंदिर एजेंडा है तो है, इसमें क्या है? अरे जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने आज मतलब कल ही कहा है, आज सुबह कहा है कि भाई आप बोल रहे हो कि हमने इसको एक राजनीतिक इवेंट बना दिया, कांग्रेस को किसने रोका था बनाने से? आप कर लेते, आपके पास तो मौका था, आपने फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से आपने कब 1986 में आपने दरवाजे किवाड़ आपने खुलवाए थे ना, उसके बाद बना देते, किसने मना किया? तो आई डोंट नो व्हाई यू बीइंग अपोलोजेटिक। द फैक्ट मींस सर, राम जी आपको लेकर के आए दो सीट से 303 सीट तक, और राम जी आपको लेकर जाएंगे 303 से 400 तक, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसमें छिपाने वाली बात है या ये कहने वाली बात है कि हम लोग पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। अरे कर रहे हैं ना भाई, क्या है बोलिए सर। मैंने पहले ही कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे एजेंडा में शुरू से रहा है। लेकिन अभी इस समय हम राम भक्त, हर देशवासी राम भक्त है जी। इस समय बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का एक संगठन अलग है, हम राम भक्त बने हैं, ये उन्हें राहुल गांधी को समझ में ही नहीं आ रही कोई चीज, और ये उनको बताने वाले बराबर बता नहीं पा रहे। रही बात, हमने तो पहले से ही हमने अपने एजेंडा में मैनिफेस्टो में रखा हुआ है राम जन्मभूमि, दुरुस्त बात, और रहेगा भी, और बाकी दो मंदिर भी तो है, मथुरा और काशी विश्वनाथ भी तो है, तो बिल्कुल है। आगे जाके योगी जी ये कह रहे हैं कि 60 इयर्स तो ठीक है आपने किया ही नहीं, कोई प्रयास नहीं किया, मगर आप जो बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि जुडिशियरी को, तो हमने डेफिनेटली जुडिशियरी को बार बार जागरूक कर दिया कि ये इश्यू पेंडिंग है, उसको प्रेजेंट करो, अर्जेंट हियरिंग ले लो, ठीक कर दिया, मगर आपने कभी इस रिपोर्ट को बाहर आने नहीं दिया कि उस मंदिर के नीचे, उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है के मोहम्मद, वो बार 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 चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने इस रिपोर्ट को आज सामने डाला था, मगर कांग्रेस और लेफ्ट के जो हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल लीडर्स थे उस रिपोर्ट को दबाते गए। तो देयर वाज नेवर, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कांग्रेस नेवर हैड एनी इंटेंशन ऑफ एक्चुअली जो बोलते हैं निर्माण ऑफ मंदिर, कभी उनके मन में और आइडियोलॉजी और थॉट में प्रोसेस में कभी नहीं है। गोस्वामी साहब, इनके दिमाग में मंदिर तो दूर की बात है, इनको राम जो है वो काल्पनिक लगे थे, सबसे पहली बात तो यहीं से शुरू होती है। ये एफिडेविट देते हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है, ये हमारे देशवासी को, प्रत्येक देशवासी को पता रहना चाहिए कि ये बात कि इन्होंने ऐसा कहा कि ये काल्पनिक है, राम थे ही नहीं, ये जो है ना। और बाकी रही जुडिशियरी को, इन्होंने हमेशा ही अपने दम पर अपने हाथ में रखा है, और कई फैसले हमने देखे हैं जुडिशियरी को, इन्होंने किस प्रकार इनके फेवर में फैसले आते तो अच्छे हैं, इनके अनफेवर फैसले हो गए तो तकलीफ होती है जुडिशियरी से इनको।
और जुडिशियल को सरकार का काम है बताना बराबर, इनके जो कपिल सिब्बल है वो किस तरह की वकालत करते हैं वो आप लोगों ने देखा है। लेकिन एक चीज तो बता दें सर, सर सर एक चीज तो बता दें हैं कि जो प्रोफेसर के मोहम्मद हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, हाँ बताइए इसको, जी सस्पेंड कर दिया जी, उनको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने किताब लिखी है बट इट इज अ टेम्पल, वो और तो और छोड़िए, बड़ा 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 ये अजीबो गरीब वाक्य है प्रदीप जी, सुनने वाली बात है। प्रोफेसर के मोहम्मद सेज दैट यू नो वहां पर विष्णु जी की इतनी बड़ी मूर्ति पाई गई आशीर्वाद देते हुए ऐसे करके, तो कहता विष्णु कौन है? अरे भाई श्री राम विष्णु के अवतार है ना, तो विष्णु की मूर्ति किसके मंदिर में पाई जाएगी? राम मंदिर में ही पाई जाएगी ना, और काम आ जाएगी। और वो बिपिन चंद्रा साहब जो थे उस वक्त बहुत बड़े हिस्टोरियन, हमारे हमारी रोमिला थापर जो थी, और हमारे माशाल्लाह जबरदस्त आदमी द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन द वर्ल्ड प्रोफेसर इरफान हबीब, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ICHR के जो हेड थे, उन्होंने कह दिया भाई इसको इसको पब्लिक नहीं करना रिपोर्ट को। तो डोंट यू थिंक प्रोफेसर के मोहम्मद शुड बी ऑनर्ड? अभी उनको बुलाना चाहिए ना, मुझे तो ऐसा लगता है उनको स्पेशल न्योता देकर के बुलाना चाहिए उनको राम मंदिर में। कहिए चंदन गोस्वामी साहब। हाँ मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ और मैं अपने तरीके से, मुझे नागपुर में मुझे पॉसिबल होगा विश्व हिंदू परिषद और जो ट्रस्ट के लोग बैठे उन्हें जरूर मैं बोल दूंगा, हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिस्ट बनाई होगी जी। और मुझे लगता है कि उनको न्योता मिला होगा, फिर भी अगर ये बात है तो मैं यहाँ पे नागपुर में तुरंत कल ही उन्हें मैं आज रात और एक दूसरी इसी 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 स्ट्रीम में एक और दूसरी चीज सर, आपको याद होगा 1990 में आदरणीय सामान्य मुलायम सिंह यादव साहब, उन्होंने गोलियां चलवाई थी, आपको याद होगा, बहुत लोग मर गए थे, हम तो थे वहां पे, वी वर शूटिंग। तो उनके लगता नहीं उनके परिवारजनों को भी बुलाना चाहिए, जो जिन जिन के लोग शहीद हुए उनका भी शहीद गए हैं उनको, आप देखिए कई लोगों के इनविटेशन गए हैं। ऐसा है कि रोज सवेरे सुबह से शुरू है रात तक के उनके घर में चावल जा रहे हैं, उनके घर में इनविटेशन दे रही, ट्रस्ट ने पूरा ध्यान रखा है, ट्रस्ट ने पूरी तरह, एक्चुअली क्या है कि उनको ठीक है अलग अलग तारीखों पे बुलाया होगा वो एक अलग बात है, क्योंकि एक साथ पूरी पब्लिक वहां नहीं जाए इसमें। अब देखिए कोठारी बंधुओं को बुलाया जी और अनेक लोगों को कोठारी बुलाया है, परिवार को कोठारी बंधु तो चले गए सर, उनको कैसे बुला सकते हो, उनके परिवार को बुलाया ना, हमारे लिए तो जीवंत है, हमारे लिए तो हमारे भावनाओं में, हमारे सामने की घटना है, मेरे आंखों के सामने की घटना है सर, बताइए जी। सभी को बुलाया है उन्होंने, ट्रस्ट ने पूरा एक बहुत ही गंभीरता के साथ में अपनी लिस्ट बनाई है, और कुछ रह जाते तो वहां पर में बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने वह उनको एक दूसरे से बात करते रहते हैं, उनकी मीटिंगें होती है, कौन छूट गया कौन रह गया किसे मिल गया, वो पूरा ध्यान रख रहे हैं वहां। गोस्वामी साहब दूसरा है कि सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी ने डिक्लाइन किया इन्वाइट, बोले कि हम नहीं जाएंगे, शरद पवार साहब लिखित चिट्ठी लिखा ट्रस्ट को कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं कोई और दिन आ जाऊंगा वहां पर। तो लगातार जितने इंडिया अलायंस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इस चीज का विरोध किया, डिक्लाइन किया, मगर बीजेपी का आपका कहना है कि राहुल गांधी जी जब भी चुनाव आता है तो सैफरन जो भगवा पहन लेता है, जनेऊ दारू बन जाता है, हर हर मंदिर का यात्रा करता है, तिलक लगाना शुरू करते हैं, तो ये एक चीज को एग्जेम्प्ट क्यों कर रहा है, ये क्यों एग्जेम्प्ट कर रहा है? और दूसरा इंडिया अलायंस के लोग अभी शिवपाल यादव जी जो बोले जो फायरिंग हुआ वो संविधान के संदर्भ में सही था, तो अभी भी इंडिया अलायंस के लोग इस चीज को मानने से तैयार नहीं है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है सनातन धर्म के खिलाफ सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात अभी बात कर रहे हैं। गोस्वामी साहब देखिए इन्होंने हमेशा डिक्टेटरशिप की है, तरीका अलग अलग अपनाया है इन्होंने, कांग्रेस ने हमेशा से डिक्टेटरशिप की है जिनकी उनको आदत पड़ गई है, ये शरद पवार जी हो या जो जितने भी निकले हुए हैं सब कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्होंने हमेशा अराजकता, जातिवाद, एक दूसरे से लड़ाना यही काम किया है, उसकी डिक्टेटरशिप इस प्रकार लगता है कि उनको आज भी हम राज कर रहे हैं, आज भी हम हिंदुओं पर राज कर रहे हैं, आज भी हिंदू बेवकूफ है उनको इस प्रकार से आज भी अपने मुगालते में रहते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, यहाँ का हर भारतीय हिंदू है जागरूक हो चुका है, सबको जान गया है, पहचान गया है
कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, ये किस प्रकार करते हैं, राइट। ये सब हर भारतीय को पता पड़ गया, युवाओं को, खास करके जो अभी युवा मतदान करने वाले हैं उन सबको पता पड़ गया है कि किस प्रकार, क्योंकि आज का जो युवा है पढ़ा लिखा है। हम लोगों ने एक चीज देखी अभी, जो जो वहां से रिपोर्ट आ रही है उसमें देखा कि काफी मुस्लिम युवा जो हैं वो राम भजन गाते हुए अयोध्या में जा रहे हैं, कोई कश्मीर से आ रहे हैं, कोई मतलब मुरादाबाद से हैं, कोई रामपुर से हैं, कोई कहीं केरल से भी हैं, बहुत बहुत मुस्लिम टोलियां भी हैं भजन वजन गाने वाली, वो वहां जा रही हैं अयोध्या में। तो ये क्या नया फेनोमेनन है, मतलब ये जरा समझाया। मैंने तो देश में बोलिए, मैं तो कल एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें पाकिस्तान में लोग उसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। क्या बात है। एक हमारे रिपोर्टर को देख रहा था, उसने कहा है, मुस्लिम रिपोर्टर है, उसने बोला कि हमने शाम को पूरा अपने घर में एक कार्यक्रम रखा है उत्सव का, कि हमारे राम लला मंदिर में आ रहे हैं 22 जनवरी को। देश विदेश में हर जगह उत्सव है, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस है जो अभी भी अपना कॉलर टाइट करके बैठी है, 44 पे पहुंच गई है, उसके बावजूद भी इस प्रकार उनका हाल है। अभी भी 5 राज्यों में उन्होंने अपनी सत्ता गवाई है, फिर भी उनके दिमाग में आ रही था कि सनातन क्या है। लेकिन और ओवैसी साहब और ओवैसी साहब नहीं मान रहे सर। ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब है, उनको तो उसी पे चल रही है सर, बीजेपी के खास मित्र है। अधिनियम है 27 साल कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने 2 दिन में उसको क्लियर कर दिया। आगे जाकर के राम मंदिर इंडिपेंडेंस से पहले भी कांग्रेस था और इंडिपेंडेंस के बाद भी जितने सत्ता में थे कांग्रेस थे, लटकाया और मोदी जी ने अभी पूरा किया। अभी अटल सेतु जो मोदी जी आए थे यहाँ पर मुंबई में उद्घाटन करने के लिए, ये अटल सेतु का सपना भी 1962 में नेहरू जी के टाइम पे हुआ था, 1994 नरसिम्हा राव ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाया था, 2006 में मनमोहन सिंह जी ने टेंडर पास किया था मगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया, और 2016 में मोदी जी ने उद्घाटन किया और 2024 में पूरा खोल दिया विद ओपन, हर चीज को तैयार करके। तो कांग्रेस ने ठुकराया और मोदी जी ने, कांग्रेस ने लटकाया और मोदी जी ने पूरा किया, कितना सत्य दिख रहा है आपको? बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचारों के लिए टेंडर होके उनके लोग अभी कई देखिए डिफेंस के अंदर में देख रहे। मैंने तो ये सुना कि उस दिन जो केदारनाथ के अंदर में जो अपना त्रासदी हुई थी उसमें उनके जो वाड्रा है उनकी कंपनी ने कई करोड़ों रुपए का घोटाला किया है लाशें उठाने का। इस प्रकार कांग्रेस ने कई टेंडर कई भ्रष्टाचार के लिए रोके हैं और उनको उनके तरह उनके हिसाब से नहीं मिला, उन्हें छोड़ दिया। लेकिन यहां पर मैं साफ सुथरी सरकार बात में प्रदीप जी जो अभी चंदन गोस्वामी साहब कह रहे हैं इस बात में बहुत तथ्य है। आप देखें 1995 टू 1999 बीजेपी और सेना की सरकार थी, यानी सेना और बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे महाराष्ट्र में, और हमारे नितिन गडकरी साहब ने तकरीबन 46 फ्लाईओवर्स बनाए थे मुंबई शहर में, टोटल प्लान 51 का था सर, 46 बन गए थे, बाकी 10 बाद में बने। तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ 46 का, और उसके साथ में और भी ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ मुंबई पुणे हाईवे का, मुंबई पुणे हाईवे भी कंप्लीट कर दी, वो जबरदस्त चीज हुई। और बैंड्रा वर्ली नारीमन सीलिंग जो था वो बनना था तकरीबन 1.5 साल में सर, उसको 11 साल लग गए बनने में, 11 बरस लग गए उसको। मतलब ये कांग्रेस सरकारों की प्रवृत्ति रहती है, इसके ऊपर क्या शोध होना चाहिए, मुझे लगता है कि रिसर्च होनी चाहिए कि हर बार कोई हर प्रोजेक्ट जो होता है वो कांग्रेस की सरकार में डिले क्यों होता है। मतलब अभी 3 महीने का डिले हो गया, फिर 2 साल का हो गया, फिर 3 साल का हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि प्राइस एस्केलेशन होती रहे जैसे प्राइस एस्केलेशन हुआ और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब ये केवल भ्रष्टाचार के लिए केवल। अभी देखिए समृद्धि मार्ग का हमारे इस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत अच्छी कल्पना की थी कि नागपुर से मुंबई जाने के लिए
करीब 20 से 25 घंटे लगते हैं जी। मैं परसों के दिन गया यहाँ से, 4-5 दिन पहले हमारी मीटिंग थी मुंबई में, 6.5 घंटे में नागपुर से इगतपुरी के पास घोटी है जहां तक कंप्लीट हुआ है, 6.5 घंटे में पहुंच गया मैं, और वहां से मुझे करीब 2.5 घंटा लगा मुंबई अपने स्थान पे पहुंचने के लिए। मतलब 300% 300% सेविंग, 300% सेविंग हुई आपकी, क्या बात बताइए, क्या बात बताइए। देवेंद्र जी को मैंने, आप अभी बता सकते हो इसी मोबाइल में, थैंक्स करके उनको मैंने मैसेज भेजा, उनका रिप्लाई आया, क्योंकि हमारा काम है उनको थोड़ा प्रमोट करना कि भाई हाँ देवेंद्र जी आपने जो काम किया अच्छा किया ये। लेकिन यही समृद्धि मार्ग जब बीच में सरकार बदली थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस थे, उसके बाद में जब सरकार बदली थी, उसकी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सरकार थी, प्रोजेक्ट रोक दिया गया था पूरी तरह से, फिर देवेंद्र जी ने उसको आने के बाद में स्पीड से शुरू किया और अभी घोटी से मुंबई रात और दिन काम शुरू है। ऐसे कई प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस आती है और रोक लेती है केवल भ्रष्टाचार के लिए, उनका एक ही काम है हमारे कार्यकर्ता और हम किस प्रकार अपनी जेबें भरें, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार आई है, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप राजस्थान जाइए, महाराष्ट्र देखिए किस प्रकार से सड़कें चमचमा रही है, पुल बन गए हैं चारों तरफ में, लोग खुश है इस बारे में। भारत जोड़ो कांग्रेस पर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हक का न्याय, न्याय का हक मिलने तक राहुल गांधी जी का संघर्ष, बोले मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी, हर गली हर गांव हर शहर में बनाएंगे प्यार और मोहब्बत के दुकान वर्सेस नफरत की राजनीति जो बीजेपी फैला रहा है, तो ये कितना इफेक्ट होगा 2024 इलेक्शंस में गोस्वामी सर? देखिए कांग्रेस से आजादी चाहते हैं देशवासी, 136 साल पुरानी कांग्रेस है जिसकी दिमाग तो पहले से खत्म हो चुका है, स्वाद थोड़ी बहुत बची है उसकी, वो भी जाने वाली है, कुछ ना कुछ जिंदा रखने के लिए उसको करना पड़ता है। ऐसी न्याय यात्रा, जोड़ो यात्रा, जिसका कोई तथ्य नहीं रहता। पहले कांग्रेस अपने जितने भी पुराने कांग्रेस के जो बीजेपी में आ चुके और अभी जो वहां पर में है वो तंग है उनसे, उनको तो न्याय दिलाए अपने नेताओं को। हमारे यहाँ पर आने के बाद कई लोग मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, मंत्री बने, हमने मान सम्मान दिया है उनको, अपने लोगों को तो पहले करें। रही बात आप न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, आपने पिछले बार नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में कितने हजारों लोग मारे गए, मिजोरम के बस बॉम्ब विस्फोट 1966 में हुआ था, उनको न्याय दिलाया कांग्रेस ने? नागालैंड में इतने युवा मारे गए, उनको कब कब न्याय दिलाया कांग्रेस ने? वो 1984 के दंगों में जब लोग मारे गए थे वे न्याय मांग रहे कांग्रेस से। इस प्रकार की फिजूल की यात्राएं करके लोगों को बरगलाना, लोगों के अपने आप को रखना, न्याय यात्रा बस में कर रहे, इसी बस में, और जो कार्यकर्ता है वो धूप में पैदल चल रहे हैं, इस प्रकार की न्याय यात्रा को कोई महत्व नहीं रहता है। ये सब रही बात, दूसरी बात रहे झारखंड से, बंगाल से, नीतीश कुमार से, बिहार से होती रहेंगी, क्या नीतीश कुमार से न्याय मांग रहे हैं? क्या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से न्याय मांग रहे हैं? क्या अपने झारखंड में मांग रहे हैं न्याय? उन सरकारों से मांग रहे हैं न्याय? क्या महादेव ऐप और अपना कौन सी ऐप थी, महादेव ऐप और ये जो प्रकरण हो रहे लाल डायरी जी, उनका न्याय होगा? उनका न्याय सरकार ने कर, लोगों ने कर दिया उनसे न्याय छत्तीसगढ़ में? गोस्वामी साहब राहुल गांधी जी देश में विदेश में जाते तब भी ये 5 फैक्टर बोलते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी बीइंग इंटिमिडेटेड, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया है और माइनॉरिटीज आर लिविंग अंडर फियर। गोस्वामी साहब उद्धव ठाकरे जी ने भी नार्वेकर का जो ऑर्डर है उसके बारे में यही कहा है कि ऐसा लगता है कि टोटल डिक्टेटरशिप हो गया, टोटलिटेरियन हो गया है, ये ऑर्डर भी दिल्ली से डिक्टेट होके आया है कि माजा बाप, मेरा बाप को चोरी किया, मेरा पार्टी को चोरी किया, मेरा सिंबल को चोरी किया, और एकनाथ शिंदे जी को सील साइंड ऑर्डर पेश किया कि ये पार्टी अब तुम्हारा है। बोले अब लोकतंत्र बचा नहीं, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट गोस्वामी सर? ऐसा है, इन नेताओं को ईमानदारी से अगर जनता के लिए कुछ करना है तो इनको चिंतन करना चाहिए, ईमानदारी से चिंतन करना चाहिए।
कि हम लोगों का किस प्रकार से न्याय दे सके, किस प्रकार से भला कर सके, किस प्रकार से लोगों के साथ में विकास, लोगों का विकास कर सके। ऐसी अनर्गल बातें करके संविधान के साथ ये खेल रहे हैं। ऐसे लोग जो बोलते हैं उन्हें भारतीय लोकतंत्र, जिसको सरकार लोगों ने चुन के दिया लोकतांत्रिक तरीकों से और संविधान पर, इनको कोई भरोसा नहीं है लोकतंत्र और संविधान की, ये उनकी अवहेलना करे इस प्रकार की बातें करके और अपने देश को बदनाम करना चाहते हैं जी। इस प्रकार से अनर्गल बातें करके आप बोल तो सकते हैं लेकिन जुडिशियरी को आप बहका नहीं सकते, संविधान को संविधान के खिलाफ भी जा सकते। तो चलते चलते चंदन गोस्वामी साहब चलते चलते ये तो बता दें कि ये त्योहार का जो माहौल है ये कब तक चलेगा, क्योंकि 550 साल के बाद एक भव्य मंदिर में वापस रामलला विराजमान होंगे। 550 साल, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, वेरी फ्रेंकली सच बोल रहा हूँ मैं आपको, विश्वास नहीं हो रहा ये चमत्कार कैसे हो गया, लेकिन हो गया और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही हम कहें कि भाई लोग शहीद हुए, ये हुआ वो हुआ, बिल्कुल हुआ, सब लोगों को श्रेय जाता है, लेकिन जो मेहनत मोदी सरकार ने करी कोर्ट के सामने, बार 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 रजिस्ट्रार साहब के सामने जाना, बार 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 बेंच के सामने जाना कि सर बेंच फॉर्म कीजिए, बेंच फॉर्म कीजिए, लगाइए, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो डिसीजन आया, उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसका निर्णय दिया। मेरा ये कहना है कि अब ये त्योहार का माहौल कब तक चलेगा, ये भी बता दें। त्योहार का माहौल तो हमेशा रहेगा, 2029 में भी रहेगा त्योहार का माहौल जी। और अयोध्या जो है जी, बोलिए। रही बात मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपना कर्तव्य पूरा किया जी और अभी भी कर रहे हैं, सभी की देशवासियों की भावनाओं की कदर की उन्होंने, सबका साथ सबका विकास के नारे को सच बनाया उन्होंने जी। और देशवासी सर अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो उपवास कर रहे हैं, अभी भी फास्ट कर रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं, कंबल लेके सो रहे हैं सर, एक कंबल जमीन पे रख के सो रहे हैं। बड़ा बहुत पुराने रीति रिवाज से, मतलब अथर्ववेद में जिस तरीके से बताया गया है कि इसी प्रकार आपको फास्टिंग करनी है, वैसे कर रहे हैं। एंड ही इज हैविंग ओनली 1 glass or 2 glasses ऑफ कोकोनट वाटर एवरी डे, दैट्स इट, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, कुछ खा नहीं रहे हैं, मतलब हद होती है यार ये 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 तो सोच करके। वेरी फ्रेंकली आई थिंक वी आर लकी टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक हिम, सीधी बात है। आप इमेजिन करिए, ये 70 साल पहले अगर हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिलते 70 सालों तक के, तो क्या होता जी, इस देश का ये देश कहाँ होता। बट अमेजिंग, ये हमें 70 साल कितने दूर रहे हम। केवल अटल जी ने 5 साल में थोड़ा न्याय करने की, अच्छा करने की कोशिश की, कांग्रेस ने उसके बाद में पूरा 9 साल के अंदर सत्यानाश कर दिया। भाई एक चीज, आपने अटल जी की बात की, आपने अटल जी की बात की, तो अटल जी के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सबको, सारे सब दर्शकों को। आपको मालूम है, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, ये आज की तारीख में ये जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को जो घर मिल रहे हैं ना आज की तारीख में, घर के जो मालिक बन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के देन है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बैंक के जो लोन के जो इंटरेस्ट के रेट्स थे वो नीचे लेकर के आए, ही ब्रॉट देम डाउन टू 5.6%, EMI दिए और घरों के लोन दिए। दिस वॉज अटल बिहारी वाजपेयी मास्टर स्ट्रोक टू गिव हाउसेज टू पीपल। उसके पहले जो मिडिल क्लास का आदमी होता था ना, सिर्फ किराए पे रहता था सर, सिर्फ किराए पे रहता था, एक घर अपना घर होगा वो सपना अपनी आंखों में लिए लिए चिता तक चले जाता था जी। बताएं, कुछ बोलने वाले थे आप गोस्वामी साहब। इसमें एक और चीज है, अटल जी ने हमें एक बहुत अच्छी योजना दी, ग्राम सड़क योजना जी, जो आज 250 से ज्यादा जनसंख्या बस्ती है उसे हम किस प्रकार से अपने शहरों से जोड़े, जो देशवासी देश से जुड़े और वो किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, जुड़ भी जंगल वालों को, एक उनकी देशवासियों की पूरे घटक उसमें आ जावे, अपने पैरामीटर में आ जावे और किसानों को सही दाम मिले जी। नदियों को जोड़ने की बात अटल जी ने की है, बहुत अच्छी योजना है, भारतीय जनता पार्टी की है और उसके सहयोगी दलों के सरकारों ने की है। लेकिन दुखद बात है कि बीच में जब भी कुछ ऐसी घटना कांग्रेस आ जाती है तो वह सब योजना धरे की धरे रह जाती है,
और इस समय मोदी जी ने 9 साल में बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तो कई बार अपने आप को बोलता हूँ कि 70 साल हम रहे तो हम 200 साल पीछे हो गए, 70 साल पहले ऐसे हमें पीएम मिलते तो कितना अच्छा होता है। राइट, थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और 22 जनवरी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग दिए जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, श्री राम की पूजा करेंगे और श्री राम को हम लोग उनका स्वागत करेंगे अपने घरों में और राम मंदिर में। नमस्कार, श्री राम ज्योति जलाएंगे सभी। जय सिया राम। हम श्री राम राम दरबार का सबका स्वागत करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। नंबर रियली प्रदीप जी, द फैक्ट रिमेंस दैट अ मिडिल क्लास पर्सन was actually able to start owning a house only after Atal Bihari Vajpayee's government came to power. Exactly. Prior to that, it was a pipe dream. You couldn't. You had to borrow money from relatives. You had to borrow money from all over the place just to be able to own a house. This entire EMI business at 5% interest, 5.6% interest was started by Atal Bihari Vajpayee because, as Vajpayee himself is quoted to have said, he never had a house. He said, "Mere paas ghar nahi tha." Mujhe malum hai ki jo madhya varg ka jo shakhs hota hai, घर उसके लिए, उसकी छत उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है पूरे देश को। इट इज ओनली आफ्टर दैट एंड व्हाट हैपेंड प्रदीप जी, बिल्डिंग एक्टिविटी, इट वाज गिवन सच अ बूस्ट ऑल ओवर द कंट्री दैट इंडियाज इकोनॉमी लीप फॉरवर्डेड, लीप फ्रॉग्ड इनटू डबल फिगर्स। इट वाज फैंटास्टिक। They say the cyclic effect, and most of the thing, if you see, actually, if you see, they say the spillover of Atal Bihari Vajpayee's work went on till 2009, and that was when the economy was really doing good. And yes. We all praise a lot for Mr. Manmohan Singh ji, when he had really to perform, because India is a giant. What you do today, it reflects it after a few time. It takes time to reflect, and when he actually had to perform, we saw the economy dwindling from 9.7 GDP to around, 3.7, around 4. But that is also because he was under pressure from the, what was that? The Monitoring Council, Coordination Committee, what was it? No, whatever you call it, Prime Minister is a Prime Minister. The UPA chairperson. Your loyalty lies towards the country. Yes, and it should. And if you are so much worried about being a party, then and it's a party position. Don't. Prime Minister is not a party. From 2004 to 2009, Dr. Manmohan Singh performed admirably. From 2009 to 2014, well, the only thing that he did succeed in was he did not allow the shock of very high crude oil prices, which had reached up to $154 a barrel, to hit the common consumer. But we've had to pay for it till now, because the oil pool account, the interest on the oil pool account, on all the loans that had been taken by the government, all the special purpose vehicles which were created to service those loans, the second part of that particular loan has been paid off now, and I think the next interest will be due in 7 years. So which is the reason why oil prices, that is petrol and diesel prices, are not going down. But that's the way it is. But then you can't just blame the good things that Manmohan Singh done. You give the credit to him, and then if something bad has happened, you say the coordination committee is responsible for that. No, as a prime minister, his loyalty towards the country is uppermost and superior, up to it. Rightfully speaking, the coordination committee as that. As Sanjay Baru says, Dr. Manmohan Singh used to carry his resignation every day in his pocket. He should have used it every day from 2009 onwards. He was carrying a resignation letter in the pocket. So why didn't he use it? He should have just presented his resignation. He should have said, "I can't work like this. Thank you very much. Either you allow me to run the country or you run the country yourself. You become Prime Minister yourself. That's it." He should have done that. And but then he just wanted to be a Prime Minister. That it shows, it just shows. We don't know what's going on. And he didn't. But then, if you will really rule and you can't that's rule, why, and you find corruption all around you and nothing. That's why happened. Mr. Modi came to power in 2014. In May 2014. Mr. Narendra Modi became Prime Minister, and the BJP became the first party since 1984 in 2014 to get a majority on its own. So, well, it had to happen, I suppose. It had to happen. Are we having trouble with our next guest, Manoj Patre Saab? Manoj Patre Saab, hai kya? Do we have Mr. Patre with us? Right.
We do have him, and he'll be on with us in just a minute. No, the entire the concept of the Ram Mandir and the way things are going, the way you know, every day it's a festivity, it's a celebration out there in Ayodhya. 16 tarikh se leke 22 tarikh tak, absolute celebrations. In we found that Ramayan characters is today moving around the roads of Ayodhya towards the Ram temple. Just prakar se, you know, I think. Every character who played in the Ramayana, and they were there, out there, the Sita was there, Ram was there, everybody. So it's celebration out there. And then look who's leading it. Prime Minister Modi, or absolute austerity. In fact, you know, even, absolute austerity. Even, कहते हैं कि जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा है कि कोई जब उद्घाटन होगा जो एक व्यक्ति को रखना चाहिए व्रत, वो पूरे व्रत को रखते हुए, strict abstinence रखते हुए वो अपना काम कर रहा है. I mean that's a wonderful example, not only to a country but to the whole world. Absolutely fantastic. How a leader is totally passionate towards not only towards the country, towards its people, but also showing a direction to youth of today.